नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आप सभी का ग्रहों का खेल कार्यक्रम के आज का महाज्ञान प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंत्र शक्ति देती है आपको एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन। पिछले एपिसोड में आपने मंत्र शक्ति कैसे काम करती है जाना, आज हम चर्चा करेंगे कि मंत्र शक्ति से एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन कैसे प्राप्त किया जाए। मंत्र जाप करने से आत्मा के भीतर स्पंदन उत्पन्न होता है। किसी भी मंत्र का आप स्वर उच्चारण करें अथवा मन ही मन उसका जाप करें तो एक स्पंदन ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये स्पंदन आपके विचारों को विराम देकर एकाग्रता प्रदान करता है। कहते हैं कि तकरीबन 60,000 से भी ज़्यादा विचार हमारे एक दिन में आते हैं। इसमें से ज़्यादातर विचार फालतू की हमारी कपूल कल्पना है, उससे कॉन्सेंट्रेशन के साथ विराम देना जरूरी है। कैसे? आप स्वयं इसका प्रयोग करके ज़रूर देखें। आप जब परेशान होते हैं, किसी घटना पर क्रोधित हो जाते हैं, किसी घाटे से व्यथित हो जाते हैं, किसी अपमान से दुखी हो जाते हैं, तब क्या होता है? बार बार वही बात दिल और दिमाग में गूंजती रहती है। ऐसे में आप केवल ओम का जाप करिए और जाप करते रहें। इससे आप जिस वजह से परेशान हैं और जो बात आपको बार बार परेशान कर रही थी वह बोलने लगेगी। धीरे धीरे आप उससे मुक्त हो जाएंगे। जब बार बार एक ही बात याद आती है और आप मंत्र जाप पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, तब यही मंत्र जाप आपको चिंता से मुक्त करने में सहायक होता है। आप एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। आप जब भी समय मिलता है ओम एक ही बार बोल दीजिए। और बताता हूँ, आप मोबाइल पर ध्यान होगा आपको कि कोई कुछ कहता है कि क्या तुम आ रहे हो, मैं कहता हूँ यस, तो अगला क्या लिखता है? ओके। पहले ओके लिखते थे, अब ओ भी हट गया, के लिखते हैं। आप आज से कोशिश करें सिर्फ ओम लिखें, ओके की जगह ओम लिखिए। इसी प्रकार प्रत्येक मंत्र एक बीज के समान है। बीज में वृक्ष बनने की अपार शक्ति समाहित होती है, लेकिन दिखाई तो नहीं देती है। बीजों को आप भूमि पर बिखेर दीजिए, हो सकता है एक दो पौधे पनप भी जाए, पर अधिकांश बीज व्यर्थ हो जाएंगे। इसके बजाय आप बीज को जमीन में बोएं, यानी बीज को गुप्त कर दें, तो वह निश्चित रूप से पौधा और फिर वृक्ष बनकर न केवल छाया देगा वरन फल भी देगा। उसके फूलों और जो वृक्ष में फल लग रहे हैं, फूल सुगंध देंगे और जो फल है वो आपको स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन देंगे। इसी प्रकार मंत्रों से उठने वाला ध्वनि स्पंदन शुभता की ओर सभी संभावनाओं से पूर्ण होता है। मंत्र चेतना के स्तर पर कार्य करते हैं। जब हम स्वयं मंत्र उच्चारण करते हैं अथवा उन्हें पूर्ण तल्लीनता से होकर सुनते हैं, तो उन मंत्रों के ध्वनि स्पंदन से हमारे मन का ढांचा अपने आप को पुनः व्यवस्थित करता है। आप याद रखिएगा, जब आप भ्रामरी करते हैं ओम, जो कैसा वाइब्रेशन आता है, ये समझ लीजिए बिखरी हुई चीज़ें उसे ठीक जगह पर कर देता है भ्रामरी। हमारे भीतर उत्तेजना कम हो जाती है। कैसे? आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि जब हम हंसते हैं तो हमारी खुशी बढ़ती है, रोते हैं तो दुख का भारीपन निकल जाता है। हम बहुत हल्के हो जाते हैं रोने के बाद। क्यों होता है ऐसा? इसीलिए कि हंसने और रोने से जो ध्वनि स्पंदन हुआ उसके कारण खुशी या गम का एहसास हुआ। मंत्र भी उसी तरह काम करते हैं। उनका पुनरावर्तन यानी मंत्रों को बार बार चैंट करना दोहराने से मन शांत और केंद्रित हो जाता है। आप कॉन्सेंट्रेट होकर काम करते हैं। मंत्र जाप से एक मनोवैज्ञानिक व मानसिक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, वह शब्दों में नहीं बताई जा सकती है, उसे अनुभव किया जा सकता है। जब मन शांत और केंद्रित हो जाता है तभी साधक की साधना सफलता के शिखर की ओर अग्रसर हो जाती है। इसीलिए आप मंत्र शक्ति पर अविश्वास नहीं करें, बल्कि दृढ़ विश्वास और आस्था के साथ मंत्र जाप करें तो कामनाओं की पूर्ति का मार्ग स्वतः प्रशस्त होगा। ओम में सभी मंत्रों का सार समाया हुआ है, यह कल हम विशेष रूप से जानेंगे। आप सभी व्यस्त रहें, मस्त रहें। और आज जो कि मैं बता रहा हूं, 5 तारीख का महाज्ञान, आप आज रात को 9 मिनट तक के लिए जो दीपक जलाएंगे उसका एक विशेष एपिसोड मैंने दिया, उसे जरूर देखिएगा। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी का प्यार हमारे परिवार के सदस्यों की तरह है। 11.5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर और हर महीने 70 से 90 लाख के बीच में दर्शकों की संख्या, ये दर्शाती है कि आपका प्यार प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत अच्छा है, धन्यवाद। और नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें
और अपने कमेंट हमें हमेशा भेजते रहें ताकि हम इस कार्यक्रम को और बेहतर बना सकें। ग्रहों का खेल और सुरेश श्रीमाली यूट्यूब चैनल पर ज्योतिष, आध्यात्म, यंत्र मंत्र और तंत्र के गूढ़ रहस्यों से हम रोजाना ही पर्दे उठाते हैं और वो नुस्खे, वो उपाय आपको बताए जाते हैं जिनके पथ पर चलकर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।